आज की वीडियो में हम लोग सीखें कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम लोग एलसीएम निकालना है 10 एंड 12 का। सो इन दोनों नंबर को इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे कि लास्ट में 1 बचे हम लोग का सिर्फ, ठीक है। तो 10 और 12 ये दोनों डिजिट, जैसा कि हम लोग को पता है, 2 के टेबल में आता है दोनों डिजिट। तो क्या करेंगे, 2 कितने बार में आता है, 5 बार में, 2 6 बार में। सो अब बचा 5 एंड 6। तो ये दोनों किसी सेम डिजिट के टेबल में नहीं आता है, तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ने की प्रॉब्लम नहीं है इससे। और अगर चाहें तो ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर से, क्योंकि ये दोनों नंबर एक के टेबल में नहीं आता है। सो 5 वन ज़ा और 6 नहीं आता, तो 6 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट ये किसके टेबल में आता है, 2, 3 एंड 6, तो तीनों में आता है, तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कर देते हैं 6 से ही, 6 वन, ये 1 था तो 1 ही, और 6 वन ज़ा। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को इंटू कर देंगे। 2 × 5 × 6 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। ये हो गया इसका एलसीएम। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, 12, 16, 24। अब इसका एलसीएम कैसे होगा, 12, 16 एंड 24 देखते हैं क्या ये तीनों नंबर किसी सेम डिजिट के टेबल में आता है। तीनों इवन नंबर है, तो मतलब ऑब्वियसली 2 के टेबल में तो आएगा ही। तो 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 12 ज़ा, ठीक है। ये तीनों भी इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में ही आएगा। 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। अब यहाँ पे 3 4 एंड 6, ये तीनों ऑड और इवन दोनों तीनों मिक्स है। तो अब क्या करेंगे, दो इवन नंबर है तो इसमें लेंगे 2, इसको यहाँ पे 3 ही रहने देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं करता है, 3 ही रहेगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब क्या करें, यहाँ पे 2 ऑड हो गया, 1 इवन हो गया, तो जो मेजोरिटी रहेगा नंबर का उसी के जैसा नंबर लेंगे, जैसे ऑड है तो ऑड ही लेंगे। तो 3 वन ज़ा, 2 में नहीं आता है तो 2 ऐसे रहने देंगे, 3 वन ज़ा। अब क्या करेंगे, लास्ट का बचा 2, तो इसको अगर चाहें तो ऐसे करके कर सकते हैं डिवाइड, नहीं तो फिर ऐसे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे कि सबको लेके और इंटू कर दिए थे, यहाँ पे वही करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 24 24 2 ज़ा 48। ये हमारा हो गया एलसीएम। क्वेश्चन थर्ड, 15 18 सॉरी एंड 21। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना आप लोग। दिस इज़ फॉर